अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने जो वीडियो लेक्चर किया था उसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसके तमाम वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर लिया था जो कि हमारे सामने हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटीरियल, लेबर, ओवरहेड अलॉन्ग विद देयर वेरियंसिस, कि उनका जनरल जर्नल कैसे बनता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग ये भी सीखेंगे दैट हाउ टू क्लोज, हाउ टू मेक द क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है जी। यानी जनरल एंट्री सीखेंगे और क्लोजिंग एंट्री सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें सिर्फ 3 जनरल एंट्री बनानी है, एक मटेरियल के लिए, एक लेबर के लिए, एक फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। जनरल एंट्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटीरियल चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटीरियल चाहिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस चाहिए, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस चाहिए। ये 4 चीज़ें चाहिए मटेरियल की एंट्री बनाने के लिए। ऐसे ही लेबर की एंट्री बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर चाहिए आपको, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर चाहिए, लेबर रेट वेरिएंस चाहिए, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस चाहिए। और फिर फैक्ट्री ओवरहेड के लिए स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट चाहिए और फिर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट चाहिए और फिर फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस चाहिए। पहले ये तमाम चीज़ें कंप्लीट कर लें, देन हमारी एंट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको अगर ढूंढनी है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन से मिलेगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला शो कर देता हूँ। अगर आपको मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है तो आपको एक काम ये करना होगा कि स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल के लिए आपको एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर के लिए स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आर्स, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आर्स। एक्चुअल कॉस्ट लेबर की चाहिए तो एक्चुअल रेट ऑफ लेबर एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर्स। अच्छा जी, और फैक्ट्री ओवरहेड में तो सिंपली हमें कॉस्ट गिवन है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर निकालनी है तो स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है 10,000 केजीज़ का स्टैंडर्ड था, क्वांटिटी था और 9 रुपीज़ पर केजी का रेट। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ से आ जाएगी। 10,000 को हम 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 10,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय 9 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस है। तो इस तरीके से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 90,000। एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है तो एक्चुअल डाटा देखिए, 8,500 केजीज क्वांटिटी एक्चुअल, 12 रुपया प्राइस एक्चुअल, तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 12, 8,500 मल्टीप्लाई बाय 12, 8,500 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,02,000। मटेरियल प्राइस वेरिएंस चाहिए जो कि ये निकाला हुआ है 25,500 और ये हमारा अनफेवरेबल है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस चाहिए 13,500 है और ये फेवरेबल है। लेबर पे आते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए लेबर की तो स्टैंडर्ड डाटा देखा जाएगा, आर्स 800 और रेट है 4 रुपया। आर्स और 4 रुपये का रेट 3200। एक्चुअल कॉस्ट चाहिए, एक्चुअल डाटा को देखना होगा, 1100 घंटे एक्चुअल और 3 रुपये का रेट एक्चुअल, तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 3,300। लेबर रेट वेरिएंस चाहिए, 1100 का फेवरेबल है। लेबर एफिशिएंसी चाहिए, 1200 का अनफेवरेबल है। फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो ये रहा स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड 66,000, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ये रहा 60,000 और उसका वेरिएंस है 6,000 फेवरेबल।
तो हमने सारा डाटा कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स गो टू द एंट्री। देखें, जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने से पहले हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा होता है, और जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो जाकर बाद में हमारे पास एक्चुअल डाटा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है और बाद में जाके एक्चुअल कॉस्ट। तो आप इसी तरतीब से एंट्री बनाएंगे तो याद रहेगी आपको, स्टैंडर्ड कॉस्ट को पहले लिखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट को बाद में लिखेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल की देखें तो 90,000 है, ये हमने प्रोडक्शन करने से पहले ही सोच ली थी, तो सोच कर इसको हमने अपने रिकॉर्ड में एंट्री में लिखना होगा हमें। और क्योंकि ये कॉस्ट को सोच कर हम अपने काम को स्टार्ट ले लेते हैं, प्रोसेस में ले आते हैं, इसलिए इस कॉस्ट का नाम होगा वर्क इन प्रोसेस मटेरियल। इस कॉस्ट को सोच कर हमने अपने काम की इब्तिदा कर दी होगी, प्रोसेस में काम को ले आए होंगे, इसलिए वर्क इन प्रोसेस के नाम से इस कॉस्ट को लिखा जाएगा। और ये इस प्रोसेस से एक एसेट बन रहा है, इसलिए एसेट बनेगा तो हम इसको डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, 90,000 से वर्क इन प्रोसेस डेबिट, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। नाउ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1,02,000। देखें, एक उसूल होता है कि मटेरियल जब भी ख़रीदा जाता है तो मिसाल के तौर पे हमने ये 1,02,000 का मटेरियल पहले ख़रीदा, तो हम एंट्री बनाते हैं मटेरियल अकाउंट 1,02,000 से डेबिट, और अकाउंट पेबल उधार पे नॉर्मली ख़रीदते हैं तो 1,02,000 से अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट कर देते हैं वेन एवर वी परचेज द मटेरियल। लेकिन ये परचेज़ करते वक्त मटेरियल को हमने एसेट बनाया है, लेकिन जैसे ही मटेरियल हम अपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में निकाल के दे देते हैं स्टोर रूम से, क्योंकि लाते वक्त स्टोर रूम में रख देते हैं, अब उसमें वहाँ से निकाल के दे रहे हैं, तो मटेरियल हमारे पास से एक्चुअली कम हो रहा है, तो इसलिए मटेरियल हमारा एसेट है, कम हो रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट जो मटेरियल की है उसे हम कर देंगे क्रेडिट 1,02,000 से। इसलिए हमने मटेरियल के अकाउंट को क्रेडिट किया है, क्योंकि ये हमारा एसेट जा रहा है, एक्चुअली इतने से गया है। अब आती है बात दोनों वेरियंसेस की। जो वेरियंस अनफेवरेबल है, असल में उसने हमारे खर्चे को बढ़ाया, यानी हमारी कॉस्ट को बढ़ाया, तो वो एक्सपेंस की सूरत हाल पर लिखा जाएगा। और जो फेवरेबल है, उसने हमारी कॉस्ट को कम किया, वो इनकम के तौर पर लिखा जाएगा। तो एक्सपेंस डेबिट पर आता है, इनकम क्रेडिट साइड पर आती है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो कि हमारा अनफेवरेबल है, उसे एक्सपेंस मानते हुए डेबिट साइड पर ले लें, और जो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है, फेवरेबल है, उसको इनकम मानते हुए उसको हम लेंगे क्रेडिट साइड पर 13,500। और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेरिएंसेस। एंट्री सही बनी है कि नहीं, डेबिट का टोटल चेक कर लें 1,15,500, क्रेडिट का टोटल चेक कर लें 1,15,500, दोनों साइड का टोटल बराबर है, इट मींस हमारा काम दुरुस्त है। तो ये बन गई हमारी मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो गई, एक्चुअल कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो गई है, और दोनों वेरिएंसेस भी रिकॉर्ड हो गए। नाउ लेबर पे भी ऐसे ही बात करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी काम अभी शुरू नहीं हुआ, हमने सोचा कि लेबर का खर्चा 3,200 रुपये आएगा, तो हमने ये सोच के काम स्टार्ट करवा दिया, यानी वर्क इन प्रोसेस। और याद दहानी के लिए, यहाँ पे ख़ुद को दिखाने के लिए लेबर लिख दिया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 3,200 से हमने डेबिट कर दी, क्योंकि एसेट बनेगा काम जब चल रहा है ये। और लेबर की जो एक्चुअल कॉस्ट है 3,300 है, इट मींस कि लेबर ने असल में इतने रुपए का काम किया है, एंड द कंपनी इज़ लाइबल टू पे टू द लेबर 3,300। तो इसलिए दिस इज़ आवर लाइबिलिटी, इसको हम लिखेंगे एक्रूड पेरोल। पेरोल का मतलब सैलरी ही है, बस फ़र्क ये है कि पेरोल उन वर्कर्स के लिए इस्तेमाल होता है जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं, तो एक्रूड सैलरी इसका दूसरा नाम है, एक्रूड पेरोल असल में इसको हमने शो करना होगा। दिस इज़ अ लाइबिलिटी कि लेबर को आपने पे तो 3,300 करना है, दिस इज़ योर लाइबिलिटी। जो सोचा था वो नहीं पे करना 3,200, जो असल में ख़र्चा हुआ है 3,300 वो पे करना है। नाउ वेरिएंसेस, जो फेवरेबल है उसने हमारी कॉस्ट कम की, वो इनकम बन गई, जो अनफेवरेबल है उसने कॉस्ट को बढ़ाया, वो ख़र्चा बन गया। तो लेबर रेट वेरियंस इनकम है, क्रेडिट साइड पर आएगा। लेबर रेट वेरियंस फेवरेबल 1,100,
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, अनफेवरेबल 1200, इसकी भी नरेशन आएगी। बस नरेशन में मटेरियल के नाम की बजाय लेबर का नाम ले लें आप। एंट्री को दोनों साइड से चेक कर लें, 3200, 1200, 4400, 1100, 3300, 4400। इस तरीके से हमारी लेबर की भी एंट्री बन चुकी है। अब आखिर में फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का डाटा आपके पास है। स्टैंडर्ड 66,000 है, इसको भी हम वर्क इन प्रोसेस के नाम से और याद दिहानी के लिए ब्रैकेट में FOH लिख दिया, 66,000 से डेबिट कर दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट को हम एक अकाउंट पे लिखेंगे क्रेडिट साइट पर, जिसका नाम होगा फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट 60,000। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्या है, इसको क्रेडिट क्यों किया है? देखें, फैक्ट्री ओवरहेड असल में हमारे छोटे 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 खर्चे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। जैसे जैसे ये खर्चे होते रहते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट, और कैश पे अगर हमने किए हैं तो कैश हो जाता है क्रेडिट, और अगर हमने उधारी खाते पर किए हैं तो उधार अकाउंट पेबल हो जाता है क्रेडिट। जैसे जैसे छोटे खर्चे होते हैं तो उनको हम डेबिट कर लेते हैं, खर्चे को लिखने का तो यही रूल होता है ना। लेकिन हम यहाँ पर इस खर्चे के अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बल्कि उसको हम डी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि डेबिट पर आने वाली चीज़ को क्लोज़ करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाता है, और क्रेडिट पर आने वाली चीज़ को अगर क्लोज़ करना पड़े तो डेबिट करके किया जाता है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन डेबिट 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 हुआ होगा, हम इसको अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम इसको डी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। दैट इज़ वाई हमने इसको क्रेडिट साइड पर लिखा है, ठीक है जी। अब इसका वेरियंस है, फैक्ट्री ओवरहेड वेरियंस है, फेवरेबल है, इनकम की सूरत है ये, तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा ये फैक्ट्री ओवरहेड वेरियंस फेवरेबल 6,000, और नरेशन सेम, बस यहाँ लेबर के नाम की बजाय फैक्ट्री ओवरहेड का नाम आ जाएगा। वेरियंसेस की प्लूरल फॉर्म हटा दी क्योंकि एक वेरियंस है यहाँ। तो इस तरीके से आपने फैक्ट्री ओवरहेड की भी स्टैंडर्ड एक्चुअल और वेरियंस को लिख दिया है। तो ये तरीका है बच्चों मटेरियल की एंट्री बनाने का, लेबर की एंट्री बनाने का और ओवरहेड की एंट्री बनाने का। अब आखिर में आपने एक काम और करना होता है, जिसमें हमें तमाम वेरियंसेस को क्लोज़ करने के लिए कहा जाता है, यानी क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री हमें जनरल एंट्री को देखकर ही बनानी होगी। तो पहले हमने हेडिंग लगा दी डॉलर कंपनी की क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर जो भी है। अब क्लोजिंग एंट्री के लिए आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। इसके लिए आपको एक काम सबसे पहले ये करना है, देखें सिर्फ आपने जो वेरिएंसेस हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि क्लोजिंग ऑफ वेरिएंसेस, ये वेरिएंसेस की क्लोजिंग है, जस्ट वेरिएंसेस की क्लोजिंग। तो जिन वेरिएंसेस को आपने ऊपर इन तीनों एंट्रीज में डेबिट पे लिया है उन्हें क्रेडिट कर दें, और जिन्हें क्रेडिट पे लिया है उन्हें डेबिट कर दें आप। तो सबसे पहले क्रेडिट वाले वेरिएंसेस लेते हैं, जैसे कि ये मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्रेडिट पर है 13,500 से, मैं इसको डेबिट पे ला रहा हूँ। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल था, यानी मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस तमाम वेरिएंसेस का खात्मा कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड हो गए थे, ठीक है, उनका खात्मा कर रहे हैं। खात्मा करने के लिए अपोजिट साइड पर लिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस नज़र आ रहा है क्रेडिट पर, तो मैं इसको डेबिट कर रहा हूँ, 13,500 था। और क्रेडिट वाला कौन है, लेबर रेट वेरिएंस 1100 से, लेबर रेट वेरिएंस ये भी फेवरेबल था, इसको मैं 1100 से डेबिट कर रहा हूँ। और फिर फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस भी फेवरेबल था,
6,000 रुपये से, अच्छा जी हमारे तीनों, एक ये फेवरेबल था मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, एक लेबर रेट वेरिएंस था फेवरेबल, और एक फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस फेवरेबल था। तीनों फेवरेबल को हमने डेबिट साइड पे लिख दिया है। अब हमें ये जो डेबिट साइड वाले हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इनको हमें डेबिट से उतार के क्रेडिट पे लिखना है, मगर एक लाइन यहाँ पर हमें छोड़नी होगी, क्योंकि जब सारा काम हो जाएगा तो यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को एक नाम देना होगा, इसलिए एक लाइन हमें यहाँ छोड़नी पड़ेगी। तो पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल है, इसको मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल, अमाउंट है इसका 25,500, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 1200 से अनफेवरेबल था, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अनफेवरेबल 1200, अच्छा जी, और उसके अलावा कोई भी हमारा वेरिएंस नहीं है। अब आपको ये देखना है, देखें ये जो वेरिएंसेस हैं जो डेबिट पर आप लाए हैं, बेसिकली ये आपकी क्या थे, ये आपकी इनकम थे, इनकम मैं टोटल कर रहा हूँ, यानी कि टोटल ऑफ फेवरेबल वेरिएंसेस, फेवरेबल वेरिएंसेस यानी इनकम का टोटल हमारा कितना बन रहा है, जिन्होंने हमारी कॉस्ट को बचाया, कम किया, 20,600, और ये जो हैं हमारे अनफेवरेबल, इन्होंने हमारी कॉस्ट को बढ़ाया है 26,700, टोटल ऑफ अनफेवरेबल वेरिएंस 26,700। अब आपने यहाँ फैसला करना है कि 20,600 से आपकी कॉस्ट कम हुई है और 26,700 से आपकी कॉस्ट बढ़ी है। अब यहाँ नेट कर लें आप, डिफरेंस ले लें इसका, और फिर आप बताइए कि कॉस्ट अल्टीमेटली आपकी बढ़ी है या कम हुई है। 26,700 से बढ़ी थी, 26,700 से बढ़ी थी और 20,600 से कम हो गई, तो 6,100 का डिफरेंस अभी भी है हमारी, हमारे वेरिएंसेस का। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो डिफरेंस है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि असल में हमारी जितनी भी प्रोडक्शन बनी है उसमें 6,100 से कॉस्ट हमें बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सर कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्शन तो कंप्लीट हो चुकी है, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट अब इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो अब अभी काम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है, माल अब आपके गोदाम में रखा है, बेचने के लिए तैयार है। अब आप जैसे ही इस माल को बेचेंगे, तो जब माल की कीमत को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जा रहा होगा, उस वक्त ये 6,100 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बढ़ा दिए जाएंगे, यानी मैं इस 6,100 से अपनी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम पर डेबिट कर रहा हूँ, कि जो अब ये माल बिकेगा, बेचते वक्त इस माल की कीमत में हम इसकी कॉस्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल माल तैयार हुआ 2,00,000 का, उस वक्त हम इसके 2,00,000 की वैल्यू में 6,100 और मिला देंगे, तो ये हो जाएगा 2,06,100। तो हम बोलेंगे यार ये माल जो अब ये बिक रहा है, ये 2,00,000 का तो प्रोडक्शन कॉस्ट में था, लेकिन वेरिएंसेस की वजह से 6,100 की वैल्यू इसकी बढ़ानी है, कॉस्ट कम रिकॉर्ड हुई है, कॉस्ट असल में बढ़ गई थी, तो 2,00,000 की वैल्यू में 6,100 हम मिला देंगे, तो यानी हमारे बिकने वाले माल की कीमत कितनी कहलाएगी, 2,06,100, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो माल बना है इसकी कॉस्ट हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर इसका मामला उलट होता कि हमारे जिन्होंने कॉस्ट हमारी बचाई, यानी फेवरेबल वेरिएंस हमारे ज़्यादा होते और अनफेवरेबल हमारे कम होते, तो उल्टा मामला होता, हमें कॉस्ट को कम करना पड़ता, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम मैं डेबिट की बजाय क्रेडिट साइड पे ले जाता, ठीक है। तो अब आप इस एंट्री का टोटल लेंगे तो वो बराबर आएगा, टोटल इस साइड का 26,700 आ रहा है, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का भी 26,700 आ रहा है, तो ये है आपकी क्वेश्चन के सही होने की अलामत, दिस इज़ योर आंसर।
तो इस वीडियो में हमने जनरल जर्नल एंट्री बनाना सीखी है अलॉन्ग विद द क्लोजिंग एंट्रीज़। ठीक है जी।